हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हमारा रिपब्लिक डे है, लेकिन हमारा एग्जाम भी पास आ रहा है, तो आज रिपब्लिक डे और एग्जाम के हमने एक मतलब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत कीजिएगा, अच्छे से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर, सब में अच्छे से पार्टिसिपेट करना है और मतलब फुल रिवीजन करना है और अच्छे से करना है, ठीक है, मज़ा आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो एक मिनट रुकिए, कमेंट्स राइट। तो आज के इस सेशन में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हैं, उनमें मैंने मेंशन किया हुआ है PYQ, यानी कि वो क्वेश्चंस हैं जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग या एंटोमोलॉजी, और पिछले IBPS AFO के एग्जाम्स में गए हैं, ठीक है। चलिए तो ऑन द रिपब्लिक डे यू हैव 80% ऑफ ऑन ऑल योर लाइव बैचेस, आपके सभी 80% लाइव बैचेस पर 80% ऑफ है, प्लस डबल वैलिडिटी इज ऑन। तो 6 महीने के लिए आपको बैच की वैलिडिटी मिल रही थी, अब वो एक साल के लिए मिल रही है, तो वो 2 साल के लिए, तो इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। यूज दिस कोड जो यहाँ पर लिखा हुआ है Y44A, 4+4 8 होते हैं, A4 एग्रीकल्चर। जब आप Y44A लगाएंगे यू विल गेट 80% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी ऑन ऑल योर लाइव बैचेस। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग स्मृति, वेरी गुड मॉर्निंग मुकेश, वेलकम टू द सेशन गाइस। तो हम अपना ये सेशन जो है वो शुरू करते हैं, राइट। तो आप सभी को अड्डा 24/7 की ऐप के बारे में पता ही होगा, नहीं पता होगा तो अब हो जाएगा, राइट। तो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, आपको बस करना क्या है, अड्डा 24/7 टाइप करना है और इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिटनेस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अरिंदम, निखिल, रश्मि, गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ इज द रिपब्लिक डे मॉर्निंग, फुल ऑफ जोश, गुड मॉर्निंग विश यू, राइट। तो अड्डा 24/7 की ऐप में जाकर आपको करना है एग्रीकल्चर को, जैसे ही आप एग्रीकल्चर को चूज करेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब अलर्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल सब अनेबल हो जाएंगे, आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन पावर कैप्सूल पढ़ सकते हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। मेरी आवाज कम आ रही है, थोड़ा और बुलंद कर देते हैं आवाज को भाई, हैं? चलो कोई बात नहीं, राइट। और तेज बोल रही है, क्या होना है, प्रियंका, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अरे वाह मुकेश, रिचुअल है अब है। चलो भाई जल्दी जल्दी शुरू करो, जुड़ो सेशन के साथ ताकि सेशन को शुरू किया जा सके, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा सेशन आएगा, सेशन को शेयर भी कर दो भाई, ठीक है। और जिसने अभी तक अड्डा 24/7 यानी कि एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी क्लासेस नोटिफिकेशन सब आप तक सबसे पहले पहुंच रहे, कोई भी अपडेट है और आप अपडेटेड रहे सबसे पहले, ठीक है। ये बिल्कुल आकाश, भारत माता की जय, दिस इज योर एग्रीकल्चर महापैक, ये आपका एग्रीकल्चर महापैक जिस पर अभी डबल वैलिडिटी है, यानी कि 12+12 मंथ, 2 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको अड्डा 24/7 का इन जस्ट ₹1,399, यानी कि 1 साल में आप 3,200 में IBPS AFO, पंजाब ADO, IFCO, NSC या FSO किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर सभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगेन कोड इज सेम Y448A टू गेट द डिस्काउंट ऑन योर फीस। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो मुझे एक मिनट दीजिए, मैं अपना हेडफोन लेकर आती हूँ, है ना, हेडफोन से शायद क्लियर हो जाएगी, राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ये लीजिए, हेडफोन काम करे होपफुली। अभी बताइए, अभी बेटर है वॉइस, बेटर देन बिफोर? बिल्कुल मिस्टर पीके, आपको याद है ना 4+4 8 होते हैं। ये क्लास रहेगी बच्चे आपकी 1 बजे तक, ठीक है, 11 to 2। बताओ भैया बेटर है, क्लियर है? चलो वेरी गुड। चलिए तो अब क्लास शुरू कर देते हैं विदाउट डिलेइंग टू द क्लास। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कॉइंड बाय, ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किन्होंने कॉइन की है? फिटनेस फ्रीक, आज कैसे ये रिपब्लिक डे पे इंग्लिश आ रही है भाई? चलो बिल्कुल, मैंने देखना था ये सब लोग सही कर रहे हैं कि नहीं। आद्य वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी डे। बिल्कुल विलियम गार्ड, ठीक है, विलियम गार्ड। पिछली बार काफी लोगों ने ये क्वेश्चन गलत लगाया था तो मैंने कहा चलो शुरुआती सी, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन, आपको पता है ही इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड एनी बोर्ड ऑफ इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इन हटा देंगे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बट टर्म जो है वो विलियम गॉड ने दी है, है ना, टर्म वॉज गिवन बाय विलियम गॉड। चलिए, द फिनोमिना ऑफ लाइक बिगेट्स लाइक इज ड्यू जेनेटिक्स, हेरिडिटी, जर्म प्लाज्म, वेरिएशन। लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब है जो जैसा होता है वैसा ही पैदा कर सकता है, उसकी प्रोजनी वैसी ही है। आकाश त्रिवेदी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके हेलो भाई, अच्छी बात है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। फिनोमिना लाइक बिगेट्स लाइक इज ड्यू, बिल्कुल सही, हेरिडिटी। देखिए मैंने पिछली बार इससे क्वेश्चन पूछा था रिजेम्बलेंस से, है ना, हम पेरेंट्स से रिजेम्बल करते हैं, दैट मींस हेरिडिटी है ना? तो जेनेटिक्स में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, लाइक बिगेट्स लाइक के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ते हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी होगा, हेरिडिटी। द टर्म जेनेटिक्स वॉज कॉइंड बाय, टर्म जेनेटिक्स वॉज कॉइंड बाय मॉर्गन, विलियम वेटसन, जॉनसन, कार्ल कॉरेंस। द टर्म जेनेटिक्स वॉज कॉइंड बाय, टर्म जेनेटिक्स किन्होंने दी है? मॉर्गन, विलियम वेटसन, जॉनसन, कार्ल कॉरेंस। बिल्कुल सही, वेटसन, ठीक है। टर्म जेनेटिक्स जो है वेटसन ने दी है और टर्म जीन जो है जॉनसन ने दी है, ठीक है। जीन टर्म जॉनसन ने दी है, बेटसन टर्म जेनेटिक्स ने दी है, जेनेटिक्स टर्म बेटसन ने दी है, उल्टा हो गया। टिल 1 PM आद्या, 11 to 1। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज, जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनाए गए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्लोन्स, ऑफस्प्रिंग्स, वेक्टर्स, बोथ ए एंड बी। ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स, ऑफस्प्रिंग्स, वेक्टर्स, बोथ ए एंड बी। बिल्कुल, इन्हें हम क्या कहेंगे? क्लोन्स कहेंगे,
ठीक है। क्लॉन्स क्या है, 100% जिनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है उन्हें क्लॉन्स कहते हैं, है ना। रोबोट देखा ना कि देखी है ना, उसमें बहुत सारे क्लॉन्स बना लेते हैं रोबोट, यानी कि वो 100% सेम होंगे, मिमिक करेंगे। क्लोन्स क्या होते हैं, 100% सेम, यानी कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, कहीं और से जीन्स का मिक्सचर नहीं होता है। ओके, मेंडल्स लॉ वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर, मेंडल्स लॉ वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 1875, 1890, 1928, 1866. मेंडल्स के जो लॉ पहली बार कब पब्लिश हुए थे, किस साल में हुए थे? 1875, 1890, 1928, 1866. बिल्कुल वैसे ही आंसर गलत यहाँ पर दिया हुआ है, 66 इज द राइट आंसर, 66 विल डी, 66 इज द राइट आंसर। ज्यादातर लोग ए और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं, 66 इज द राइट आंसर। ब्लू कलर टैग इज फॉर, ब्लू कलर का टैग कौन सी क्लास की सीट के लिए होता है? ब्रीडर सीट, फाउंडेशन सीट, सर्टिफाइड सीट, रजिस्टर्ड सीट। It's a previous year question from seed science. Blue color tag is for breeder seed, foundation seed, certified seed, registered seed. C, certified seed. ठीक है, certified seed. ठीक है, और question क्या पूछ लिया जाता है इसे? Certified seed कौन सा seed होता है जिसे farmer use करता है? It is for farmers use. Foundation seed, इसकी जो प्योरिटी होती है वो आपके सर्टिफाइड सीड से ज्यादा होती है। ब्रीडर सीड, ब्रीडर खुद जो प्रोड्यूस करता है अपनी देख रेख में, है ना, वो ब्रीडर सीड होता है। इसका कलर कैसा होता है, फाउंडेशन सीड का व्हाइट होता है, ब्रीडर सीड का गोल्डन येल्लो होता है। ब्रीडर सीड का क्या होता है, गोल्डन येल्लो होता है, राइट। रजिस्टर्ड सीड इंडिया में नहीं होता, रजिस्टर्ड सीड इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, बाकी इसका टैग कलर पर्पल कलर का होता है। ठीक है, चलिए, विच सिल्क इज नोन एज गोल्डन ट्रेजर ऑफ आसाम, अगेन इट्स अ PYQ, विच सिल्क इज नोन एज गोल्डन ट्रेजर ऑफ आसाम, मलबरी सिल्क, तसार सिल्क, मूंगा सिल्क, एरी सिल्क। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अतुल। Which silk is known as golden treasure of Assam? Answer is Muga silk, है ना? C, Muga silk. Muga silk में Assam देखते ही लगा देना, मतलब आंख बंद करके, ठीक है? Oryza sativa is the scientific name of. Oryza sativa किसका scientific name है? Oryza sativa किसका scientific name है? Wheat, maize, rice, barley. बिल्कुल आकाश, एंथेरियम, एंथेरिया असामी जो इसका सिल्क वर्म होता है उसका नाम होता है सिल्क का। Oryza sativa is the scientific name of maize, rice, barley. बिल्कुल ये सभी को पता होगा, है ना, राइस इज द राइट आंसर। यूरोपियन हनी बी इज, यूरोपियन हनी बी कौन सी हनी बी होती है? एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा, एपिस सिराना, एपिस इंडिका। यूरोपियन हनी बी इज, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा, एपिस सिराना, एपिस इंडिका। बिल्कुल एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। एपिस डोरसाटा को रॉक बी कहते हैं, इसको यूरोपियन बी और इटालियन बी भी कहते हैं। एपिस सिराना इज लिटिल बी, लिटिल बी एपिस सिराना, और इंडियन बी, इंडियन बी या फिर एशियन बी,
आपकी एपिस इंडिका को कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, हो सकता है भाई इस बार इनमें से कोई और सा पूछ ले, ठीक है। मेजर सिल्क प्रोटीन इज, मेजर सिल्क प्रोटीन कौन सा होता है? फिब्रोइन, सेरेसिन, आर्थ्रोपोडिन, क्यूटिकुलिन। सिल्क में कौन सा सिल्क ज्यादा प्रेजेंट होता है, मेजर सिल्क कौन सा होता है सिल्क में? फिब्रोइन, सेरेसिन, आर्थ्रोपोडिन, क्यूटिकुलिन। क्या होगा आंसर? अगेन इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। बी सेरेसिन, ठीक है, सेरेसिन। चलिए, फिब्रोइन और सेरेसिन दोनों प्रेजेंट होते हैं सिल्क के थ्रेड में, प्रेजेंट दोनों होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ज्यादा कौन सा होता है इसमें? फिब्रोइन होता है, यस सॉरी, फिब्रोइन इज द राइट आंसर। ज्यादा इसमें फिब्रोइन होता है, प्रेजेंट दोनों होते हैं। तो अगर सिर्फ प्रेजेंट का पूछा जाए तो दोनों होते हैं, फिब्रोइन एंड सेरेसिन, लेकिन मेजरली फिब्रोइन होता है। केमिकल यूज्ड इन पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग में कौन सा केमिकल यूज होता है? एबीए, पीईजी, कोल्चिसिनॉल। कन्फर्म है बच्चा, फिब्रोइन ही होता है। केमिकल यूज इन पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, एबीए, पीईजी, कोल्चिसिन। बिल्कुल कोल्चिसिन, ठीक है। एबीए क्या है आपका? स्ट्रेस हार्मोन है, इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन। जब ड्रॉट रेजिस्टेंस की बात होगी, ड्रॉट ससेप्टिबल प्लांट्स में भी रिलीज होगा, या डिजीज के टाइम पर भी ये भी रिलीज होता है, इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन। जब भी प्लांट स्ट्रेस में होता है ये हार्मोन रिलीज होता है, राइट। पी इज योर, पी ई जी इज यूज इन योर प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर में भी यूज होता है, और ये आपकी आर्टिफिशियल ड्रॉट कंडीशन के लिए भी यूज, यानी कि जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं और आपको ड्रॉट के लिए प्लांट सेलेक्ट करना है, तो आर्टिफिशियल ड्रॉट कंडीशन क्रिएट की जाती है पीईजी की हेल्प से, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ पीईजी किया जाता है, ठीक है। कोल्चिसिन पॉलीप्लॉइडी के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर बोथ पेरेंट्स, सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर बोथ पेरेंट्स, हेटरोसिस, इनब्रीडिंग, लग्जीरियंस, ऑल। देखिए ये जो पी वाई क्यूज हैं, ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन जिस सोर्स से मैंने उठाए हैं उसके ऑप्शंस नहीं थे, उसमें आंसर्स गिवन थे, ऑप्शंस मैंने खुद डिजाइन किए, ठीक है। मॉर्निंग नरोत्तम, बिल्कुल आंसर इज हेटरोसिस ए। हेटरोसिस से हमेशा एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, हेटरोसिस के ऊपर मैंने आपकी स्पेशल पूरी क्लास भी ली थी, अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिए, ठीक है। मस्टर्ड बिलोंग्स टू विच फैमिली, मस्टर्ड किस फैमिली से बिलोंग करती है? कुकुरबिटेशी फैमिली से बिलोंग करती है, क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है, पेडिसिले फैमिली से बिलोंग करती है, या फिर नन ऑफ दी। मस्टर्ड बिलोंग्स टू विच फैमिली? क्रूसीफर फैमिली, बी, ठीक है। कुकुरबिटेशी से आपके गॉड्स एंड मेलन्स बिलोंग करते हैं, गॉड्स एंड मेलन्स, मस्क मेलन, वाटर मेलन, घिया, टिंडा, तोरी, सब आपके जो है कुकुरबिटेशी। पेडिसिले में कौन सी आती है? सिसेम, सिसेम, तिल जो है आपके पेडिसिले फैमिली से बिलोंग करते हैं, और क्रूसीफर फैमिली से आपके सारे जो भी मस्टर्ड है, आपकी कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ये सब आपकी ब्रैसिके या फिर क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। देखो भाई प्रीवियस ईयर तो ऐसे ही है। द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द सिल्क फ्रॉम कोकून, कोकून से सिल्क को जो अनवाइंडिंग करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टिपलिंग, अनवाइंडिंग, रीलिंग, नन। द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द सिल्क फ्रॉम कोकून इज स्टिपलिंग, अनवाइंडिंग, रीलिंग, नन।
बिल्कुल, इसको क्या कहा जाता है? रीलिंग कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज रीलिंग। बीटल्स हैविंग हॉर्न लाइक प्रोजेक्शंस ऑन हेड, ऐसे बीटल्स जिनके हेड पर हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन है वो कौन सी बीटल है? राइनोसोरस बीटल, हार्डा बीटल, पंपकिन बीटल, ब्लिस्टर बीटल। जो बीटल है इस तरीके से है ना, इसके तीन सेगमेंट्स है, इसके हेड पर यहाँ पर एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे राइनोसोरस के होता है, ठीक है? राइनोसोरस के नाक पे भी सींग होता है आगे, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। तो इसका नाम भी क्या है? राइनोसोरस बीटल है, ए, ठीक है, राइनोसोरस बीटल। 1, 2 वर्षा मैम की क्लास। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स किसमें देखने को मिलते हैं? बग्स, बीटल्स, मोथ्स, बटरफ्लाई। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन बग्स, बीटल्स, मोथ, बटरफ्लाई। क्या होगा आंसर? बग्स, ठीक है, बग्स, बिल्कुल। बग्स में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं, बीटल्स में बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होते हैं, बटरफ्लाई और मोथ्स में सिफोनिंग टाइप होते हैं, बटरफ्लाई में सिफोनिंग टाइप्स होते हैं, नॉट मोथ, ठीक है? यस। स्क्रैचिंग, स्क्रबिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ सीड कॉट इज कॉल्ड एज, अगर हम सीड कॉट को स्क्रैच करते हैं, रब करते हैं, या फिर उसे किसी और तरीके से सॉफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, बोथ और नन। सिफोनिंग बच्चे आपका जो बटरफ्लाई है ना, उसका ये माउथ है जैसे, है ना, माउथ पार्ट में एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको वो गोल गोल करके अपनी नेक के नीचे पैक करके रख, और जब उसको फ्लावर से नेक्टर लेना होता है तो इस पाइप को वो ऐसे खोल के फ्लावर में डालकर उससे जो है नेक्टर निकाल लेती, ठीक है? स्कैरिफिकेशन, बिल्कुल सही। तो स्कैरिफिकेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन दोनों ही आपके डोरमेंसी ब्रेकिंग है, डोरमेंसी ब्रेक करने के काम आते हैं, ठीक है? तो स्कैरिफिकेशन तो सीड कोट की अगर वजह से डोरमेंसी है, वो हार्ड है इसीलिए डोरमेंसी हो रही है, तो उसे सॉफ्ट बनाना, स्क्रैच करना, रब करना, ताकि वो सी टू ब्रेक हो जाए, उसे स्कैरिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं जब आप टेम्परेचर को बदलते हैं ना, हाई या लो टेम्परेचर देते हैं सीड को, जिसकी वजह से उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है, उसे स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर फाउंडेशन सीड ऑफ ओकरा, ओकरा के फाउंडेशन सीड के लिए इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस कितना मेंटेन करके रखना होता है? 100 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर। आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर फाउंडेशन सीड ऑफ ओकरा, ओकरा भिंडी के फाउंडेशन सीड के लिए 400 मीटर, 400 मीटर। बी, सेक्स अट्रैक्टेंट टू ट्रैप इंसेक्ट इज, इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए जिसे सेक्स अट्रैक्टेंट का यूज किया जाता है वो कौन सा है? एलोमोन्स, काइरोमोन्स, फिरोमोन्स, हार्मोन्स। सेक्स अट्रैक्टेंट टू ट्रैप द इंसेक्ट इज एलोमोन्स, काइरोमोन्स, फिरोमोन्स, हार्मोन्स। बिल्कुल सही आंसर है फिरोमोन्स, ठीक है, ये फिरोमोन्स होते हैं। एफिड ट्रांसमिटेड डिजीज इन टबैको, टबैको में ऐसी डिजीज जो एफिड के द्वारा ट्रांसमिट होती है वो कौन सी? टबैको लीफ कर्ल वायरस, टबैको मोजेक वायरस, टबैको स्टेरिलिटी वायरस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एफिड ट्रांसमिटेड डिजीज इन टबैको, लीफ कर्ल वायरस, मोजेक वायरस, स्टेरिलिटी वायरस, ऑल ऑफ द अबव।
आंसर यहां पर क्या आएगा, लीफ कर्ल वायरस, ए कर्ल वायरस, टबैको लीफ कर्ल वायरस। विच लीफ ऑफ विच टाइप ऑफ सिल्क वर्म ब्रीड्स ओनली वंस इन अ ईयर, कौन से टाइप का सिल्क वर्म है जो साल में एक ही बार ब्रीडिंग करता है? यूनिवोल्टाइल, मल्टीवोल्टाइन, बाइवोल्टाइन, नन। विच टाइप ऑफ सिल्क वर्म ब्रीड्स ओनली वंस इन अ ईयर, साल में एक ही बार ब्रीड करता है? यूनिवोल्टाइन, मल्टीवोल्टाइन, बाइवोल्टाइन या नन? आंसर इज यूनिवोल्टाइन। यूनि मीन्स वन, यूनि मीन्स वन। तो यूनिवोल्टाइन्स जो होते हैं ये एक बार ब्रीड करते हैं, मल्टीवोल्टाइन कई बार ब्रीड करते हैं, बाइवोल्टाइन दो बार ब्रीड है, इट इज मोर देन टू। ठीक है, क्योंकि ये साल में एक ही बार ब्रीड करता है, दैट मीन्स इसके जो एग्स हैं वो हाइबरनेट कर देते हैं या फिर डायापोज स्टेज में आ जाते हैं। इसमें डायापोज स्टेज आती है, इनमें नहीं आती, इसलिए मल्टीवोल्टाइन कर पाते हैं। तो डायपोजिक एग किस में होते हैं? यूनिवोल्टाइन में होते हैं। मेगट्स एंड गवावा फ्रूट बिलोंग्स टू, गवावा फ्रूट में मेगट्स किससे बिलोंग करते हैं? फ्लाई से, एफिड से, टी बग से या फिर नन ऑफ द अबव? मेगट्स इन गवावा फ्रूट बिलोंग्स टू फ्लाई, एफिड्स, बग, नन। आंसर इज फ्लाई। ठीक है, फ्रूट फ्लाई के लार्वे को ही मेगट्स कहते हैं। फ्लाई के लार्वे को ही मेगट्स कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? फ्लाई। बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट बॉल वर्म इन कॉटन, कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट है इनमें से जो बॉल वर्म के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है कॉटन क्रॉप में? एपेंटेलिस, ब्यूवेरिया, लेडी बर्ड बीटल, ऑल ऑफ द अबव? बायो कंट्रोल एजेंट यूज अगेंस्ट बॉल वर्म इन कॉटन, एपेंटेलिस, ब्यूवेरिया, लेडी बर्ड बीटल, ऑल ऑफ द अबव? बिल्कुल सही, ब्यूवेरिया। ठीक है, ब्यूवेरिया। इसके अलावा अगर पूछा जाता तो इसमें हम बीटी फॉर्मुलेशंस का भी यूज कर सकते हैं, बीटी फॉर्मुलेशंस का। ठीक है, वो भी इसका बायो कंट्रोल, और क्राइसोपरला कार्निया भी आई गेस इसमें किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? बी आएगा। बीटी इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप टू कॉम्बैक्ट, बीटी जो क्रॉप है वो किस इंसेक्ट के अगेंस्ट बनाई गई है? बॉल वीबल के अगेंस्ट, एफिड्स के अगेंस्ट, व्हाइट फ्लाई के अगेंस्ट या बॉल वर्म्स के अगेंस्ट? बीटी इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप टू कॉम्बैक्ट बॉल वीबल, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई या बॉल वर्म्स? बीटी से रिलेटेड चीजें आ सकती हैं भाई, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सही, बॉल वर्म। तो बीटी जो है एक बैक्टीरिया है, आप सभी को पता होगा, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिनेसिस। ठीक है, इसमें एक जीन होती है क्राइजीन। अब बहुत सारी जीन्स हैं, क्राइवन ए सी, क्राइवन ए बी, बहुत सारी हैं, लेकिन जो शुरू में आई थी वो क्राइवन ए सी आई थी। ठीक है, तो इसको याद रखना है, क्राइवन एजी जो है अपनी जीन का नाम है, बैक्टीरिया का नाम बैसिलस थुरिंजिनेसिस है। इस बैक्टीरिया से जीन निकालकर हमने कॉटन में ट्रांसफर किया है, तो कॉटन क्या है? ओनली जीएम क्रॉप इन इंडिया इज कॉटन। ठीक है, ये क्राइजीन जो है आपका एक टॉक्सिन बनाता है, और वो टॉक्सिन क्या करता है? गट में पोर्स क्रिएट करता है, गट में पोर्स क्रिएट करता है, तो इंसेक्ट स्टारवेशन के कारण, भूख के कारण मर जाता है, क्योंकि वो खा पी नहीं पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बीटी के बारे में पता होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑल्सो एक और चीज, जो पहली बीटी वेराइटी थी उसका नाम था बॉल गोल्ड,
पहली बीटी वैरायटी थी, उसका नाम था बॉल गॉड। मेटिंग ऑफ वाइडर डिग्री रिलेशन टू प्रोड्यूस सुपीरियर प्रोजनी। मेटिंग ऑफ वाइडर डिग्री रिलेशन, ऐसे लोगों के बीच मेटिंग है, ऐसे पौधों के बीच मेटिंग जो वाइडर डिग्री रिलेशन रखते हैं, यानी कि क्लोजली रिलेटेड नहीं है, ताकि सुपीरियर प्रोजनी मिल सके। इसको हम क्या कहते हैं? लाइन ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, इन ब्रीडिंग, क्लोनिंग। क्या कहते हैं इसको हम? मेटिंग ऑफ वाइडर डिग्री रिलेशन टू प्रोड्यूस सुपीरियर प्रोजनी, लाइन ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, इन ब्रीडिंग, क्लोनिंग। बिल्कुल सही, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में हम दो ऐसे पेरेंट्स चूज करते हैं जो क्लोजली रिलेटेड नहीं होते, ताकि वो सुपीरियर प्रोजनी दिख पाए। ठीक है, तो सी विल बी द आंसर। नहीं बच्चे, इनब्रीडिंग में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बी नहीं आएगा। यहाँ पर होता है क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि ये सिब मेटिंग है, फैमिली मेटिंग है, वो इनब्रीडिंग में आती है। इवन सेल्फिंग भी जो है वो इनब्रीडिंग में आती है। विच अमंग द इंसेक्ट डैमेजेस इनसाइड द स्टेम, इनमें से कौन सा इंसेक्ट है जो स्टेम के अंदर डैमेज कॉज करता है? बॉल वॉर्म्स, स्टेम बोरर, रूट ग्रब, लीफ माइनर। विच अमंग द इंसेक्ट डैमेजेस इनसाइड द स्टेम, बॉल वॉर्म्स, स्टेम बोरर, रूट ग्रब्स, लीफ माइनर। नाम से ही पता चल रहा है स्टेम बोरर, कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, है ना। बॉल वॉर्म्स बॉल पर अटैक करते हैं, स्टेम बोरर स्टेम पर करते हैं, रूट ग्रब्स रूट पर करते हैं, लीफ माइनर लीफ पर करता है। ठीक है, यह आंसर क्या आएगा? बी, स्टेम बोरर। गाइस, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस द टेस्ट लाइक दिस, आप अगर इसी तरीके से टेस्ट प्रैक्टिस करते रहना चाहते हैं अगले दो तीन दिन और, तो ऑफकोर्स आपकी मेन्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एडा 24/7 की वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों जगह पर। तो आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और अपने और टेस्ट इसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। द कॉस्ट फॉर दिस टेस्ट सीरीज इज 194 रुपीज़ फॉर टूडे, क्योंकि आज आपका टेस्ट सीरीज पर 22% का ऑफ है, जो जनरली 15% या 17% होता है। कोड यूज करेंगे इस ऑफ को पाने के लिए Y448S, एस फॉर जरूरी है यहाँ पर संदीप सर। ठीक है, टू गेट द डिस्काउंट। ठीक है, 5448S। चलिए नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज, प्लांट ब्रीडिंग का मेन एम क्या है? इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करना, ग्रो द फोडर क्रॉप्स, फोडर क्रॉप को ग्रो करना, इम्प्रूव न्यूट्रिएंट क्वालिटी, न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इंक्रीज डिजायरेबल जीन इन प्लांट। इंक्रीज डिजायरेबल जीन इन प्लांट, क्या करना होता है प्लांट ब्रीडर को? प्लांट ब्रीडर का देखो मेजर एम क्या है, डिजायरेबल जीन्स का इंक्रीज करना है ना, सिलेक्शन के द्वारा। जितना सिलेक्शन करेंगे डिजायरेबल जीन्स बढ़ेंगी। ठीक है, और अगर इसकी जगह अगर ये ना आकर के ये आ जाए कि इंक्रीजिंग यील्ड, तो देखो प्लांट ब्रीडर का जो प्राइमरी काम है वो इंक्रीजिंग यील्ड का है, क्वालिटी इंप्रूव करना, ड्रॉट रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, ये सब सेकेंडरी है। पहला काम यील्ड को इंप्रूव करना है। डी विल बी द आंसर है। ठीक है, द साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड 8 मेन सेंटर्स एंड 3 सब सेंटर्स ऑफ द क्रॉप डाइवर्सिटी। इस साइंटिस्ट ने 8 मेन सेंटर्स निकाले थे क्रॉप डाइवर्सिटी के, मेंडल ने, वेविलोव ने, जॉनसन ने या मैथर ने। द साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड 8 मेन सेंटर्स एंड 3 सब सेंटर्स ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी, मेंडल, वेविलोव, जॉनसन, मैथर। राइट आंसर हियर विल बी, बिल्कुल सही, N.A. Vavilov। N.A. Vavilov Vavilov given how many centers of origin? देखो centers of diversity और centers of origin जो है
एक कंसेप्ट वेविलोव ने दिया था। वेविलोव कहते हैं कि जहां पर अक्सर एक क्रॉप ओरिजिनेट होती है, जो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिनेशन होता है, अक्सर वहीं पर डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, ये उन्होंने अपनी जो है स्टेटमेंट में कहा था। ठीक है, अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में देखा है, 8 जो है उन्होंने मेन सेंटर्स दिए, राइट, 8। जी, 8 भाई, 8 सेंटर्स थे। ठीक है, उसके बाद जो है जुकोस्वी आए थे। जुकोस्वी ने कहा ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वही सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। उन्होंने जो है सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी है वो ग्रुपिंग की थी, और उन्होंने 12 मेगा सेंटर्स दिए, उन्होंने 12 मेगा सेंटर्स। इनके इन सम केस स्मॉल एरिया विद इन द सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिबिट ट्रेमेंडेनियस जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ सम प्लांट्स इज कॉल्ड एज। अब आपको पता है ये डाइवर्सिटी एरिया है ना, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है। इस सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में भी ये वाला जो एरिया है इसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर, माइक्रो सेंटर या मैक्रो सेंटर। प्राइमरी सेंटर कहेंगे, सेकेंडरी सेंटर कहेंगे, माइक्रो सेंटर कहेंगे या मैक्रो सेंटर कहेंगे, क्या होगा हमारा आंसर? माइक्रो सेंटर, माइक्रो सेंटर। ये बड़े एरिया में से छोटा एरिया है, माइक्रो एरिया जिसमें ज्यादा डाइवर्सिटी पाई गई है, माइक्रो सेंटर, इसे माइक्रो सेंटर कहेंगे। लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ सीड डैश मॉइस्चर एंड डैश टेम्परेचर इज मेंटेन। अगर आप लॉन्ग टर्म कंजर्व करना चाहते हैं सीड, ठीक है, लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन यानी कि बेस कलेक्शन, लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन का मतलब है बेस कलेक्शन, वहां पर कितना जो है सीड मॉइस्चर होना चाहिए और कितने टेम्परेचर में आपको स्टोर करना चाहिए, 8% एंड 5 डिग्री, 10% एंड -10 डिग्री, 10% एंड 5 डिग्री, 5% एंड -20 डिग्री, व्हाट विल बी द आंसर? बेस कलेक्शन के लिए क्या टेम्परेचर और मॉइस्चर होना चाहिए? डी, बिल्कुल सही, सीड मॉइस्चर 5% होना चाहिए और जिस टेम्परेचर पर आपको स्टोर करना है वो -20 हो। सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर मेज, मेज का सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सा है? चाइना, साउथ वेस्ट एशिया, मैक्सिको या फिर ईस्ट एशिया? सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर मेज, बिल्कुल मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको इज द राइट आंसर। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एपोमिक्सिस, म्यूटेशन, प्रोपगेशन। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एपोमिक्सिस, म्यूटेशन, प्रोपगेशन। बिल्कुल द आंसर इज एपोमिक्सिस। डेवलपमेंट ऑफ सीड जहां आ जाता है वहां एपोमिक्सिस आता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट आ जाता है, ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस आ जाता है। मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस इज गिवन बाय, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस किन्होंने दिया था? नेल्सन एंड एहल, वेंडल, जॉनसन, बेटसन। मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस इज गिवन बाय नेल्सन एंड एहल, वेंडल, जॉनसन, बेटसन। मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस जो है किसने दिया है? नेल्सन एंड एहल ने दिया है, नेल्सन एंड एहल। एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस क्रॉप, इनमें से कौन सी एक मोनोशियस क्रॉप है?
सॉर्गम, बाजरा, कॉटन, मेज़. एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोशियस क्रॉप, सॉर्गम, बाजरा, कॉटन, मेज़. द राइट आंसर इज डी, मेज़. राइट, डी, मेज़ इज द मोनोशियस क्रॉप. ये सारे क्या है, इनके सेम फ्लावर में ही मेल और फीमेल है. ठीक है, मोनोशियस क्रॉप है मेज, क्योंकि मेज का प्लांट कैसा होता है, ऊपर इसमें यहाँ पर मेल पार्ट होते हैं और नीचे यहाँ पर इसमें कोब होता है जो कि फीमेल पार्ट होता है. मेल और फीमेल एक ही बॉडी में है बट अलग अलग फ्लावर में है. दिस इज अ मोनोशियस क्रॉप. ठीक है, डायोशियस क्रॉप आपकी पपाया होती है. The condition where flower opens after pollination is called as. ऐसी condition जहाँ पर flower open होता है लेकिन pollination के बाद ही open होता है, उस condition को क्या कहते हैं? Cleistogamy, chasmogamy, hypogamy, homogamy. Cleistogamy, chasmogamy, hypogamy, homogamy. क्लिस्टोगैमी होता है जब फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता, क्लोज्ड फ्लावर होता है, तो वो क्लिस्टोगैमी होती है. इसमें ओपन होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद ओपन होता है. राइट, होमोगैमी का मतलब है सेम टाइम पर मैच्योरेशन हो, और हार्कोगैमी का मतलब है डिफरेंट, है ना. तो ये तीनों क्लिस्टोगैमी, चेस्मोगैमी, होमोगैमी, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, बट हार्कोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है. हार्कोगैमी इज अ बैरियर बिटवीन द मेल एंड फीमेल. कोई भी फिजिकल बैरियर मेल और फीमेल के बीच प्रेजेंट है उसे हार्कोगैमी कहते हैं. बी विल बी द राइट आंसर हियर, चेस्मोगैमी. व्हिच टाइम ऑफ मेल स्टेरिलिटी मोस्टली यूज्ड इन कल्टीवेटेड क्रॉप्स. Which type of male sterility mostly in cultivated crops? TMS, GMS, CGMS, TGMS. बताइए जल्दी से. CGMS stands for cytoplasmic male sterility, GMS stands for genetic male sterility, TGMS cytoplasmic genetic male sterility, TGMS is temperature sensitive genetic male sterility. सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं CGMS लाइन का, राइट? Yes, TGMS is in rice. Very good, Akash. TGMS भी and PGMS भी, यानी कि temperature sensitive crops भी और photo period sensitive crops भी. जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी दोनों ही आपकी राइस में यूज हो. अगर आप तीन पेरेंट्स का यूज कर रहे हैं, ए इनटू बी इनटू सी, विच टाइप ऑफ क्रॉस इट इज, डबल क्रॉस, सिंगल क्रॉस, थ्री क्रॉस, टॉप क्रॉस, कौन सा क्रॉस है ये? ये है आपका थ्री वे क्रॉस. तीन पेरेंट्स यूज. सिंगल क्रॉस में एक ही क्रॉस होगा, डबल क्रॉस में दो क्रॉस, इस तरीके से. थ्री वे ऊपर मेंशन है. टॉप क्रॉस क्या होता है? किसी भी इनब्रेड का किसी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस करवाना, इसको टॉप क्रॉस कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. Pollen tube enters into the embryo sac through small openings called as. Pollen tube embryo sac में enter करती है एक small opening तरफ से. Opening कौन सी है? Stigma, micropyle, hydrothode, stomata. Pollen tube enters into the embryo sac through a small opening called as. जी शारदा, इसमें होता क्या है बच्चे, जैसे कि आप ए का बी के साथ क्रॉस करवाते हैं, जैसे एक सिंगल क्रॉस को करवाते हैं नॉर्मली,
इसका आपको हाइब्रिड मिल गया, F1 मिल गया, है ना। आपने दूसरे फील्ड में C को D के साथ क्रॉस करवाया है, इसका भी F1 आपको मिल। नेक्स्ट ईयर आप क्या करेंगे, इन दो F1 का क्रॉस करवाएंगे और एक नया F1 बनाएंगे, ठीक है। इस F1 में A और B से जीन्स हैं, इस F1 में C और D से जीन्स हैं, इसमें चारों के जीन्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं डबल क्रॉस, जहाँ पर चार तरीके के जीनोम या जीन टाइप आपने मिक्स कर। ये सब चीज का एग्जाम कब होगा भाई, नहीं पता कब होगा, पर तैयारी करते रहो, कभी तो होगा। 37, एक मिनट, ये गैमीट से रिलेटेड नहीं है 37 कॉइन, ठीक है, इट्स नॉट रिलेटेड टू गैमीट। ये है आपका भाई, अगर फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता, क्लोज रहता है, तो उसे क्लिस्टोगैमी कहते हैं। अगर फ्लावर ओपन होता है लेकिन पॉलिनेशन के बाद ओपन होता है तो उसे चैस्मोगैमी कहते हैं। हर्कोगैमी का मतलब है आपका ये स्टिग्मा है, ये पॉलन है, इनके बीच कोई फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये मिल नहीं पा रहे, बीच में पर्दा है, दीवार है, इसके ऊपर कोई लेयर है कुछ, ठीक है। क्लिस्टो में कभी ओपन नहीं होता, हमेशा क्लोज रहता है, ठीक है। तो ये हार्कोगैमी होती है। और होमोगैमी होती है सेम टाइम पर मैच्योरेशन, यानी मेल और फीमेल दोनों एक साथ 21 साल के होंगे तभी तो शादी करेंगे, तो ये सेम टाइम पर मैच्योर होंगे। अजय वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्लिस्टोगैमी जो है आपका देखो वीट में होता है, राइट, बार्ले में होता है, ओट्स में होता है, चैस्मोगैमी भी इनमें पाया जाता है, दोनों इसमें पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं 41 पर। द ब्रीडिंग मेथड टू इम्प्रूव सिंगल कैरेक्टर, ऐसा कौन सा ब्रीडिंग मेथड है जिसमें आप एक सिंगल कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, पेडिग्री, बल्क, पैक और SSD। ब्रीडिंग मेथड यूज टू सिंगल कैरेक्टर, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, बैक क्रॉस मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड। SSD स्टैंड्स फॉर सिंगल सीड डिसेंट मेथड। जब आपको एक ही ट्रेट के लिए जीन ट्रांसफर करनी हो आप हमेशा बैक क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा बैक क्रॉस मेथड का यूज। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे इस रेजिस्टेंस के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो उसमें भी आंख करके आपको बैक क्रॉस मेथड लगाना है। सिंगल सीड डिसेंट मेथड नहीं आएगा बच्चे, सिंगल कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। सिंगल कैरेक्टर मतलब आपकी वैरायटी वैसे बहुत अच्छी है, बस उसमें कोई एक कमी है, यानी कि जिससे ससेप्टिबल है मान ली, बाकी सब उसमें बढ़िया है। तो ऐसा जब जीन ट्रांसफर करना होगा तो आप बैक क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। बैक क्रॉस मेथड में क्या करेंगे, ये है, तो ये आपकी अच्छी वैरायटी है और ये आपका डोनर पेरेंट है जिससे आपको वो एक जीन चाहिए जो हमारी में नहीं, इसे डोनर कहते हैं, इसको रिकरेंट कहते हैं, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, आपको हाइब्रिड मिलेगा। अब इस हाइब्रिड में 50% जीन्स किसके हैं, ए के हैं, और 50% जीन्स हैं बी। हमें डोनर के 50% जीन नहीं चाहिए, हमें सब कुछ रिकरेंट का चाहिए, इससे सिर्फ एक जीन चाहिए, जैसे कि रेजिस्टेंट जीन चाहिए आर, ठीक है। तो हम इस F1 को किससे, हम रिकरेंट पेरेंट से, ए से फिर से क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, और फिर से आपको हाइब्रिड मिलेगा। अब ये जो आपने बैक क्रॉस करवाया, बेसिकली BC1 बोलते हैं इसको, बैक क्रॉस। अब इस बैक क्रॉस में ए की जो मात्रा है वो 75 हो गई है और बी की मात्रा घटकर 25 हो गई। इसी तरीके से हम बी की मात्रा को घटाते जाएंगे, सिर्फ एक जीन जब तक बच जाएगी तब तक उसको रखेंगे, वरना बैक क्रॉस करते जाएंगे। इसको रिकरेंट पेरेंट कहते हैं और इसको डोनर पेरेंट कहते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, चैस्मोगैमी में कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है कि फ्लावर कभी ओपन नहीं होता तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन चैस्मोगैमी में फ्लावर ओपन होता है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा।
सकता, ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग मिथ। ठीक है, क्लिस्टोगैमी हो या चैस्मोगैमी हो, दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्लिस्टोगैमी में तो फ्लावर ओपन ही नहीं होता, अगर आप अपना दरवाजा खोलेंगे नहीं तो बाहर से कोई आ ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो जाती है। चैस्मोगैमी में आप जो है दरवाजा जब खोल रहे हैं, जब आपका सारा काम हो गया है ना, तो इसमें जब पॉलिनेशन ऑलरेडी हो गया है तब फ्लावर ओपन होता है, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को ही बढ़ावा देता है। बिना फ्लावर ओपन हुए भी पॉलिनेशन हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि फ्लावर को ओपन होना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। जीनोम नेम ऑफ ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल का जीनोम नेम क्या है? ए बी सी, ए सी आर, ए बी, ए बी आर। जीनोम नेम ऑफ ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल एक मैन मेड सीरियल है। ट्रिटिकेल क्या है? एक मैन मेड सीरियल। और ये किस किस के क्रॉस से बना है? वीट एंड राई के क्रॉस से बना है। ठीक है, इसमें वीट में कौन से जीनोम है? ए ए डी डी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ए बी जो जीनोम है वो वीट से आया है, और आर से जो है राई का जीनोम, इसमें डी ए बी आर जीनोम प्रेजेंट होता है। ए बी आर जीनोम प्रेजेंट होता है, ए बी बी डी डी, तो बच्चे आपके वीट का जीनोम है, ट्रिटिकम एस्टिवम का। ठीक है, यस, इट वाज डेवलप्ड बाय रिम्पो। वर्ल्ड फूड प्राइज ऑफ 2022 वाज अवार्डेड टू, 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है? शकुंतला एच थिलिस्ट, संजय राजाराम, रतनलाल या सिंथिया रेजनविक। वर्ल्ड फूड प्राइज ऑफ 2022 वाज अवार्डेड टू, बताओ, अब आएगा मजा, कौन कौन करंट अफेयर्स पढ़ता है? शकुंतला, संजय, रतनलाल, सिंथिया। आंसर इज डी, सिंथिया, सिंथिया रेजनविक। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। मेज प्रोटीन इज डेफिशिएंट इन, मेज प्रोटीन डेफिशिएंट कौन से अमाइनो एसिड में होता है? मिथियोनाइट, ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन, ऑल ऑफ द अबव। मेज प्रोटीन इज डेफिशिएंट इन मिथियोनाइट, ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन, ऑल ऑफ द अबव। मेज में क्या नहीं होता? ट्रिप्टोफैन नहीं होता। ठीक है, बी, मेज में क्या नहीं होता? ट्रिप्टोफैन नहीं होता, बी इज द राइट आंसर। सेमी ड्वार्फ वैरायटी IR8 वाज डेवलप्ड इन, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वी राइस IR8 वाज डेवलप्ड इन ताइवान, चाइना, इंडिया, फिलीपींस। सेमी ड्वार्फ वैरायटी IR8 कहां पर डेवलप हुई है? डी फिलीपींस। ठीक है, डी फिलीपींस, ताइवान नहीं लगाना है, मुझे पता था ताइवान पे जाओगे। TN1 इज ताइवान, TN1 वैरायटी जो है वो ताइवान में डेवलप की गई थी, IR8 जो है फिलीपींस में डेवलप की गई है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। और इंडिया की ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है? जया। इंडिया की ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है? जया। अमिताभ बच्चन की जया भी छोटी है, राइस की जया भी छोटी। ठीक है, सोनालिका एंड कल्याण सोना आर हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ, सोनालिका एंड कल्याण सोना किसकी हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं? वीट, राइस, मेज, शॉर्गम।
नालिका कल्याण सोना आर हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ ए व्हीट, ठीक है, ए व्हीट, देवर इंट्रोड्यूस्ड, प्राइमरी इंट्रोडक्शन सेकेंडरी इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, द मोनोसोमिक इज इंडिकेटेड बाय, मोनोसोमिक किस से इंडिकेट किया जाता है, एन माइनस वन टू एन प्लस वन टू एन माइनस टू एन प्लस टू, मोनोसोमिक म्यूटेशंस में से आएगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, ठीक है, मोनोसोमिक का मतलब होता है 2n माइनस वन, अगर आपके 2n के पूरे सेट में से एक क्रोमोसोम मिसिंग है तो उसे मोनोसोमिक कहते हैं, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तो उसे ट्राइसोमिक कहते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा है तो ट्राइसोमिक और कम है तो मोनोसोमिक, इसको क्या कहेंगे 2n माइनस टू क्या कहेंगे, नल्लीसोमिक, दिस इज नल्लीसोमिक, ठीक है, एंड दिस इज टेट्रासोमिक, राइट, ये सब आपको पता होने चाहिए, इनमें से कभी कभी पूछ लिया जाता है, प्लॉइडी लेवल ऑफ एडिबल बनाना, एडिबल बनाना की प्लॉइडी लेवल क्या होती है, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, प्लॉइडी लेवल ऑफ एडिबल बनाना, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, सी ट्रिप्लॉइड, banana is a triploid and that is why it is a seedless variety. Sir Jai Kisan is a soma clonal variant of. Sir Jai Kisan किसका soma clonal variant है? TBR 210 का, Pusa mustard 22, Pusa mustard 24, Varuna. Sir Jai Kisan is a soma clonal variant of Varuna. उसा जय किसान मस्टर्ड की वैरायटी है जो कि वरुणा का ही सोमा क्लोन है. सोमा क्लोन मतलब इसके सोमैटिक सेल से हम जब प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे थे तो उसमें हमें वेरिएशन दिखाई दिया, उसमें से हमने सिलेक्शन करके उसा जय किसान वैरायटी को बनाया है, ठीक है, तो ये है सोमा क्लोन वेरियंट ऑफ वरुणा. हाइब्रिड इन्वॉल्व्ड फोर पेरेंट्स, इस हाइब्रिड में चार पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसे क्या कहते हैं, सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, थ्री वे क्रॉस, पॉली क्रॉस. हाइब्रिड इन्वॉल्व्ड फोर पेरेंट्स, सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, थ्री वे क्रॉस, पॉली क्रॉस. द आंसर हियर विल बी डबल क्रॉस, बी. वरुणा वैरायटी का नाम है शारदा, वरुणा इज अ नेम ऑफ अ वैरायटी ऑफ मस्टर्ड. चलिए, अ पेस्ट इज कॉजिंग लेस देन 10% डैमेज टू अ क्रॉप, अ पेस्ट मे बी कैटेगराइज्ड एज, अगर एक पेस्ट का डैमेज 10% से कम है तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, स्पोरेडिक पेस्ट, माइनर पेस्ट, मेजर पेस्ट, रेगुलर पेस्ट. बताइए, स्पोरेडिक पेस्ट, माइनर पेस्ट, मेजर पेस्ट, रेगुलर पेस्ट. द आंसर इज माइनर पेस्ट, अगर 10% से कम टेम्परेचर है तो वो माइनर पेस्ट में, ठीक है. लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन और एट, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहां और कब स्थित हुई थी, स्थापित हुई थी, 1893 फरीदाबाद, 1939 जोधपुर, 1992 बैंगलोर, 1966 हैदराबाद. लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन,
बिल्कुल 1939 जोधपुर। देखो इसमें फायदा ये हो गया, अगर आपको ईयर याद भी ना हो, प्लेस अगर याद है तो भी आप इसको इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मस्ट बी अप्लाइड एट विच इकोनॉमिक डिसीजन लेवल। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस किस लेवल पर लेना चाहिए? डैमेज बाउंड्री पर, ईआईएल लेवल यानी कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल पर, एटीएल लेवल एक्शन थ्रेशहोल्ड लेवल पर, या फिर जीईपी। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मस्ट बी अप्लाइड एट विच इकोनॉमिक डिसीजन लेवल? क्या होगा आंसर? नो, नॉट ईआईएल लेवल। इकोनॉमिक इंजरी लेवल अगर हो चुकी है मतलब आप लेट हैं, अगर ईआईएल आ चुका है दैट मींस यू आर लेट इन मैनेजिंग दैट पेस्ट। एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल सी इज द राइट आंसर। ईटीएल तो ऑप्शन में नहीं है ना आकाश? हाँ, अगर ईटीएल होता तो ईटीएल भी इसका ऑप्शन होता। अगर ईटीएल की जगह ईटीएल होता वो भी इसका जो है राइट आंसर होता, इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल। ठीक है, बट ईटीएल ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर आपको आंसर लगाना है सी। कई बार बहुत ज्यादा करेक्ट चीज नहीं होती हमारे पास, तो हमें क्या देखना पड़ता है कि जो आपके ऑप्शन में सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है फिर वो कौन सी बन रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर चाहिए। 54, 97, 1986, 1977, 1971। हाँ, काम चला। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप पेस्ट। बिल्कुल सही, 1977। पेस्ट विच अकर्स ऑन अ क्रॉप थ्रू आउट द ईयर। एक ऐसा पेस्ट जो पूरे साल आपकी क्रॉप पर रहता है। ओकेजनल पेस्ट, परसिस्टेंट पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट, सीजनल पेस्ट। पेस्ट विच अकर्स ऑन अ क्रॉप थ्रू आउट द ईयर। ओकेजनल पेस्ट, परसिस्टेंट पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट, सीजनल पेस्ट। परसिस्टेंट पूरे साल रहता है तो क्या है, परसिस्टेंट है। ठीक है, सीजनल तो सिर्फ सीजन में आता है, स्पोरेडिक तो कभी आता है कभी नहीं आता है। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन इंडिया इज यूज ऑन विच क्रॉप। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड इंडिया में किस क्रॉप पर यूज किए जाते हैं? राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन इंडिया इज यूज ऑन राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन। बिल्कुल सही आंसर सी, सॉरी कॉटन। कॉटन नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, जिसको पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल के नाम से जाना जाता था, उसका नाम चेंज हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजी कंट्रोल था, पीडीबीसी, उसका नया नाम क्या हो गया या बदलकर नाम क्या हो गया। तो इसका बदलकर नाम हो गया है एनबीएआई, राइट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, है ना। इट इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ सिचुएटेड है? हैदराबाद, बैंगलोर, बताओ। दोनों दोनों आंसर आ रहे हैं, बट द राइट आंसर इज बैंगलोर ओनली। ओके, सी। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, डीपा, वाज प्रपोज्ड इन।
ये कब आया था? डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट वाज प्रपोज्ड इन 1914, 1972, 1912, 2003. डिस्ट्रक्टिव पेस्ट इंडिया इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट वाज प्रपोज्ड इन ए 1914, Which of the following are the main characteristic features of an insect? Pair of antenna, three pair of legs, pair of wings, all of the above. Which of the following are the main characteristic features of an insect? Pair of antenna, three pairs of legs, pair of wings, all of the above. Yes. Three pair of wings. Sorry, not wings, legs. Pardon. ठीक है, देखो इंसेक्टा का जो क्लास होता है वो हेक्सोपोडा होता है. हेक्सोपोडा क्लास. हेक्सो का मतलब होता है सिक्स, पोडा का मतलब है लेग्स. जो सबसे प्रोमिनेंट और जरूरी या कैरेक्टरिस्टिक या आइडेंटिफाइड जो फीचर है वो है सिक्स लेग्स. लेग्स का मतलब है थ्री पेयर्स. ठीक है, थ्री पेयर्स ऑफ लेग. पेयर ऑफ एंटीना भी होता है, मैं डिनाई नहीं कर रही, पेयर ऑफ विंग्स भी होता है, लेकिन यहाँ जो एक फंक्शन पूछा जाता है या एक उसका आइडेंटिफिकेशन फीचर पूछा जाता है तो वो है थ्री पेयर ऑफ लेग्स. हर इंसेक्ट में थ्री पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट हो. ठीक है, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेस्टिंग एंड इनएक्टिव स्टेज ऑफ द इंसेक्ट लाइफ साइकिल? Which of the following is called the resting and inactive stage in the insect life cycle? The egg stage, the larva stage, the pupa stage, and the adult stage. बिल्कुल सही, pupa stage. Resting stage जो है आपकी pupa stage होती. Insects Which feed on one type of food are called as? ऐसे इंसेक्ट जो सिर्फ एक ही टाइप के फूड पर फीड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉलीफेगस, मोनोफेगस, एंटोमोफेगस, नन ऑफ द अबव. इंसेक्ट्स विच फीड ऑन वन टाइप ऑफ फूड आर कॉल्ड एज पॉलीफेगस, मोनोफेगस, एंटोमोफेगी, नन ऑफ द अबव. बिल्कुल सही, मोनोफेगस. सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बी मोनोफेगस. ठीक है, पॉलीफेगस होते हैं जो मैनी क्रॉप्स पर फीड करते हैं, जिनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होस्ट होते हैं वो पॉलीफेगस होते हैं. एंटोमोफेगी से इफको में क्वेश्चन आया था, इंसेक्ट्स फीड्स ऑन इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, इनको कहते हैं एंटोमोफेगी. ठीक है, तो दिस विल बी सी. In cotton pest is effectively controlled by the larval parasitoid Gonzizus nefertitis. Coconut pest of pest is effectively controlled by this larval parasitoid. ये coconut का कौन सा pest है? Red palm weevil है, black headed caterpillar है, coconut slug caterpillar है या iriophyte mite है? तो larval parasitoid किया जा सकता है Gonzizus nefertitis की हेल्प से. इट इज अ बायो कंट्रोल फॉर दिस इंसेक्ट. रेड पाम वीविल, ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, कोकोनट स्लग कैटरपिलर, इरियोफिड माइट. द आंसर इज ब्लैक हेडेड कैटरपिलर. एक आधा क्वेश्चन बायो कंट्रोल से आएगा भाई. ठीक है, ब्लैक हेडेड कैटरपिलर बी विल बी द राइट आंसर. अच्छा, ब्लैक हेडेड कैटरपिलर में एक और चीज पूछ लेते हैं, ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसके लिए आपको जो कंट्रोल है केमिकल कंट्रोल वो डायरेक्टली स्टेम में इंजेक्ट करना पड़ता है? तो वो भी यही है ना, स्टेम इंजेक्शन देना पड़ता है ब्लैक हेडेड कैटरपिलर के केस में.
Which of the following entomopathogenic nematode is effective against solid pests? इनमें से कौन सा निमेटोड है जो कि एंटोमोपैथोजेनिक है? एंटोमोपैथोजेनिक का मतलब है इंसेक्ट के लिए वो एक पैथोजन है, उसे कहते हैं एंटोमोपैथोजेनिक। वो कौन सा पेस्ट है? मेलिडोगाइनी है, ट्राइकोडोरस है, एफिलेंकोइड्स है, या फिर हेट्रो हेट्रोरेबोलिटिस है? विच निमेटोड इट इज? एंटोमोपैथोजेनिक। टी एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड इज हेट्रोरेबेटोलाइस। नहीं, मेलिडोगाइनी नहीं है। मेलिडोगाइनी कहाँ होता है निमेटोड? फूड फॉर्मेशन में। दिस इज फॉर सॉरी नॉट फॉर्मेशन इन रूट, है ना, नॉट फॉर्मेशन इन रूट, ये मेलिडोगाइनी का काम है। सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन? सिफोनिंग टाइप के माउथ पार्ट्स किस इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं? हाउस फ्लाई, थ्रिप्स, हनी बीज, बटरफ्लाइज। बताइए। Yes, the right answer is butterfly. Okay, right answer क्या होगा? Butterfly आपका right answer होगा। Housefly में कैसा होता है? Sponging type. Housefly में कैसा होता है? Sponging type of mouth part होता है, ठीक है? Thrips में कैसा होता है? Rasping type. Rasping type. और thrips से एक और question पूछ लिया जाता है, किसका mouth part है जो कि asymmetrical होता है? Asymmetrical, वो भी thrips है, ठीक है? Rasping and sucking type of mouth parts and thrips are asymmetrical type of mouths. Honey bee में आपका chewing and lapping type होता है. Chewing and lapping type of mouth parts are present in honey bee. और butterfly तो हमारा answer ही है, that is siphoning type of mouth parts. What is the recommended spray volume of ultra low volume spray? अगर आप ultra low volume sprayer का use कर रहे हैं, कितनी volume काफी रहेगी? 500 liter per hectare, 10 से 12 liter per hectare, 250 liter per hectare या 1 से 5 liter per hectare? Ultra low volume spray. अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर के लिए आपको केवल 1 से 5 लीटर पानी काफी रहता है एक हेक्टेयर जमीन के लिए, ठीक है? 1 to 5 लीटर पर हेक्टेयर, डी विल बी द राइट आंसर। द अटैक ऑफ विच इंसेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस डेड हर्ट सिम्टम्स इन प्लांट? इनमें से कौन सा इंसेक्ट है जो अटैक के बाद इंसेक्ट में डेड हर्ट फॉर्मेशन करता है? लैप्टोकोर्सिका अक्यूटा, नीला पर्वता ल्यूगेंस, सिर्कोफागा इंसर्टुलेस, ऑल ऑफ दी। All. Yes, so answer is C. Cercopaga insertulus. Cercopaga insertulus. It's a stem borer. Stem borer जो है ये dead hurts create करता है. नीला पर्वता ल्यूगेंस नहीं करता. ये क्या करता है? Hopper burn. Hopper burn is due to नीला पर्वता ल्यूगेंस. और एक और बात बताओ, नीला पर्वता ल्यूगेंस किस वायरल डिजीज को ट्रांसमिट करता है? जल्दी से बताओ, नीला पर्वता ल्यूगेंस किस वायरल डिजीज को ट्रांसमिट करता है? जल्दी से, नीला पर्वता ल्यूगेंस
यस ग्रासी स्टंट वायरस, ठीक है। ग्रासी स्टंट वायरस को क्या करता है, ये इसका वेक्टर का काम करता है। हाँ तो क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, डोंट वरी, जस्ट बीच में ब्रेक ले लेते हैं या सांस ले लेते हैं कुछ है। गाइस दोज हु आर गिविंग दिस ईयर पेपर वेरी नाइस, बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो अगले साल के लिए अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, दे कैन टेक एडमिशन इन IBPS AFO फाउंडेशन बैच, जो कि 14th of February से इशू हो रहा है। ये फाउंडेशन बैच जिसमें इंग्लिश मैथ्स हिंदी के साथ साथ आपके एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट क्लासेस कवर होंगे, ठीक है। और यहाँ आपका पंजाब ADO का बैच आपको दिख रहा है, विच इज अ न्यू बैच कमिंग सून इन फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी, 7th February के आसपास जो है पंजाब ADO का ये आएगा, न्यू बैच आएगा। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब ADO, यू कैन एनरोल इन द पंजाब ADO बैच ऑल्सो। फीस यहाँ पर आपको दोनों की मेंशन है, 2399 2399 और 2799 फॉर दिस IBPS AFO। आज के दिन आपके 80% ऑफ है, अदरवाइज इसके बाद इसकी फीस हो जाएगी 2759 और इसकी फीस हो जाएगी 32, ठीक है। जो पैसे बच रहे हैं वो बचा लीजिए, अगर एनरोल करना ही है तो आज के दिन ही करें। एंड ऑफ कोर्स कोड इज Y448A टू गेट दिस ऑफ एंड डबल वैलिडिटी ऑन योर बैचेस, ठीक है। आपके सभी बैचेस पर डबल वैलिडिटी प्लस 80% ऑफ चल रहा है। चलिए मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिगमीना इज प्रेजेंट इन, टेगमीना किस में प्रेजेंट होता है, ग्रास होपर, बीटल्स, स्टिंक बग, मॉस्किटो बग। टेगमीना इज प्रेजेंट इन ग्रास होपर्स, बीटल्स, स्टिंक बग, मॉस्किटो बग। ग्रास टेगमीना टाइप ऑफ विंग्स कौन से होते हैं, लैदरी विंग्स। टेगमीना विंग्स कौन से होते हैं, लैदरी विंग्स होते हैं, यानी कि थोड़े से ट्रांसल्यूसेंट हो जाते हैं, थोड़े हार्ड और लैदरी से, कहते हैं टेगमीना विंग्स, ठीक है। ये आपके कॉकरोच और ग्रास होपर्स में देखने को मिलते हैं, कॉकरोच एंड ग्रास होपर्स में देखने को मिलते हैं। बीटल्स में कैसे होते हैं, इलाइट्रा टाइप। बीटल्स में कैसे होते हैं, इलाइट्रा टाइप होते हैं, हार्ड शेल लाइक विंग्स होते हैं, जो फोर विंग्स होते हैं, ठीक है। बग्स में होते हैं हैमी इलाइट्रा टाइप, हैमी इलाइट्रा टाइप, ठीक है। बग्स में हैमी इलाइट्रा होते हैं, बीटल्स में इलाइट्रा होते हैं, टेगमीना आपके ग्रास होपर। क्वेश्चन नंबर 68। एप्रिकार्निया मेलानोल्यूका इज अ बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ, एप्रिकार्निया मेलानोल्यूका इनमें से किसका बायो कंट्रोल एजेंट है, गुरदासपुर बोरर, केन इंटरनोड बोरर, शुगर केन पायरिला, शुगर केन टॉप बोरर। एप्रिकार्निया मेलानोल्यूका इज अ बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल शुगर केन पायरिला इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के जो फेमस बायोलॉजिकल एग्जाम्पल्स हैं बच्चे, ये आप सभी को पता होने चाहिए, पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस इनमें बन जाते, ठीक है। द राइट आंसर इज सी, शुगरकेन पायरिला। द हेड ओरिएंटेशन फाउंड इन हेमिप्टेरन इंसेक्ट्स, हेमिप्टेरन इंसेक्ट्स यानी कि जो हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग है उनमें किस तरीके का हेड ओरिएंटेशन होता है, हाइपोगनाथस, प्रोगनाथस, प्रिमिटिव टाइप, ओपिस्थोगनाथस। हेमिप्टेरा में कौन बिलोंग करते हैं, बग्स। बग्स का माउथ पार्ट हेड की डायरेक्शन कैसी होती है, हाइपोगनाथस, प्रोगनाथस, प्रिमिटिव टाइप, ओपिस्थोगनाथस। देखो हाइपोगनाथस का मतलब होता है ये आपका जो इंसेक्ट है इसका माउथ पार्ट इस तरफ प्रेजेंट है 90 डिग्री एंगल पर, दिस हाइपोगनाथस। प्रोगनाथस का मतलब है इंसेक्ट के सामने प्रेजेंट है, प्रो सामने। ओपिस्थोगनाथस का मतलब है इंसेक्ट के पीछे की तरफ माउथ पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो बग्स में ओपिस्थोगनाथस होता है, बग्स में ओपिस्थोगनाथस होता है, डी
प्रोगनाथस आपको बीटल्स में देखने को मिलता है. बीटल्स हैव प्रोगनाथस टाइप ऑफ हेड ओरिएंटेशन. हाइपोगनाथस आपको ग्रास होपर में देखने को. ठीक है, देखो सारे ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि दूसरा भी आ जाए तो आपको पता हो. ठीक है, हम ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ चुके हैं फिर भी रिवाइज कर रहे हैं, इन सबको अब याद रखना है एग्जाम में. The malpighian tubules are present in. Malpighian tubules किसमें absent होते हैं, not present, sorry, present तो सभी में होते हैं. Malpighian tubules are absent in locust, mosquito, aphids and bugs. Malpighian tubules are absent in locust, mosquito, aphids and bugs. तो ये aphids में absent होते हैं. Malpighian tubules क्या है? आपके excretory system का part है. They are the part of excretory system. करते क्या है? Ionic balance बनाकर रखते हैं. Ionic and water balance बनाकर रखते हैं. आयनिक एंड वाटर बैलेंस बनाते हैं और ये हिंड गट का पार्ट होते हैं. ठीक है, तो इससे मालपिजन ट्यूब्यूल से क्वेश्चन आएगा, कौन से पार्ट से है? हिंड गट से बिलोंग करते हैं. क्या फंक्शन है? आयनिक एंड वाटर बैलेंस का काम है, या फिर क्या फंक्शन में? एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये फंक्शन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मालपिजन ट्यूब्यूल है, इट इज एब्सेंट इन एफिड्स. The management of stem fly, a pest of maize, can be managed by using dash neem seed kernel extract. Stem fly of maize को use करने के control करने के लिए हम neem seed kernel extract use करते हैं. कितनी concentration में होना चाहिए? 5%, 1%, 0.5%, 10%. Management of stem fly, a pest of maize, can be managed by dash percent of neem seed kernel extract. Yes, the right answer is, again, A, 5%. Okay, 5%. Guys, session pasand aa raha hai, to like karo bhai, aise kaise, hai na, like karte raho, madam ko bhi pata chale ki bachcho ko session achha lag raha hai. छुट्टी वाले दिन क्लास ले रही हूँ मैं आप लोगों की, कुछ तो रेस्पेक्ट करो है. और जिन्होंने एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी रेगुलर क्लासेस आपको हमेशा मिलती रहती है यहाँ पर, जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. ठीक है, सो डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The outermost layer of insect cuticle is called. The outer layer of insect cuticle is called. Insect cuticle की बाहरी layer, outer layer को क्या कहते हैं? Exocuticle, apicuticle, endocuticle, procuticle. Cuticle बाहरी layer की cuticle को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, exocuticle. A. कोई apicuticle नहीं लगाएगा. एक्सोक्यूटिकल सबसे बाहर एक्सोक्यूटिकल होती है. ठीक है, 73 जॉनसन्स ऑर्गन इज अ कॉर्डोनल ऑर्गन लाइंग इन द सेगमेंट ऑफ एंटीना. जॉनसन ऑर्गन एक सेंस ऑर्गन है. इस जॉनसन्स ऑर्गन का काम है ऑडिटरी का. ऑडिटरी यानी कि जो आपका कान का काम होता है, सुनने का काम है. ठीक है, ये जॉनसन्स ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है? फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द एंटीना, सेकंड, थर्ड या फोर्थ सेगमेंट ऑफ एंटीना. नो, द आंसर इज सेकंड सेगमेंट. सेकेंड सेगमेंट, देखो आपके एंटीना में सेगमेंट ही तीन होती है. इस तरीके से फर्स्ट सेगमेंट है, उसके बाद ये सेगमेंट है, और बाद फ्लैजिलम. इस फर्स्ट सेगमेंट को कहते हैं स्केप.
सेकेंड को कहते हैं पेडिसिल, थर्ड को कहते हैं फ्लैजिलम। आपका जॉनस्टन्स ऑर्गन होता है ये पेडिसल में होता है, यानी कि सेकेंड सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। या अगर नाम भी पूछ लिया जाए तो नाम भी याद रखिएगा, पेडिसल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय एंथ्रिया पैफिया इज कॉल्ड एज दसार सिल्क, मुगा सिल्क, एरी सिल्क, अशीमा सिल्क, अहिंसा, सॉरी अहिंसा सिल्क। आंसर इज सार सिल्क ए। सोचेंगे मैडम हमेशा मुगा मुगा ही पूछेंगी, है ना, ए इज द राइट आंसर, दसार सिल्क। डैश इज अ वेक्टर ऑफ राइस ग्रासी स्टंट वायरस, इनमें से कौन सा है जो कि राइस ग्रासी स्टंट वायरस का वेक्टर है? नीला पर्वता ल्यूगेंस, लैप्टोकोकसिका एक्यूटा, नेफेलोक्रोसिस मेडिनेलिस या टेनिकेटो थ्रियोस बाइफॉर्मिस। बिल्कुल सही, ए नीला पर्वता ल्यूगेंस, जिसको हम ब्राउन प्लांट होपर के नाम से भी जानते हैं, सॉरी ब्राउन प्लांट होपर BPH। ठीक है, एक आपका होता है ग्रीन लीफ प्लांट होपर, ग्रीन लीफ प्लांट होपर, ये कौन सा वायरस ट्रांसमिट करता है? ग्रीन लीफ प्लांट होपर, ये भी राइस का ही पेस्ट है, ये कौन सी वायरल डिजीज को ट्रांसमिट करता है? जल्दी से बताएं, क्योंकि इस दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है पेपर में बच्चों। हाँ, ये राइस टंगरो डिजीज करता है। ठीक है, तो आपका ग्रीन लीफ प्लांट होपर वो राइस टंगरो डिजीज का वेक्टर है, और राइस ग्रासी स्टंट का वेक्टर BPH है, ब्राउन प्लांट होपर है। ठीक है, दोनों को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। प्लॉइंग इज टाइप मेथड फॉर इस डैश टाइप मेथड फॉर इंसेक्ट कंट्रोल, डैश छूट गया है। प्लॉइंग कौन से टाइप का मेथड है? कल्चरल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है? प्लॉइंग इज अ डैश टाइप ऑफ मेथड फॉर इंसेक्ट कंट्रोल, बिल्कुल सही, कल्चरल मेथड है ना। जब भी आप डीप प्लॉइंग करते हैं तो क्या होता है, मिट्टी पलटती है, इंसेक्ट का प्यूपा या लार्वा बाहर आ जाता है, या तो वो ज्यादा गर्मी के कारण, सन के कारण डेसिकेट होकर मर जाता है, या फिर बर्ड्स उसे खा जाती है। द बॉल वॉर्म विच कवर्स द ओपनिंग वंस इट एंटर्स इनटू द बॉल, एक ऐसा बॉल वॉर्म जो बॉल की ओपनिंग को बंद कर देता है जब ये एंटर कर चुका होता है बॉल के अंदर। कॉटन सेमी लूपर, पिंक बॉल वॉर्म, स्पॉटेड बॉल वॉर्म, अमेरिकन बॉल वॉर्म। यस, द आंसर इज पिंक बॉल वॉर्म। पिंक बॉल वॉर्म का अटैक आपको बाहर से देखने में पता भी नहीं चलेगा कि इस बॉल के अंदर कीड़ा है, इसकी जो ओपनिंग है बिल्कुल बंद हो जाती है। जी आकाश, राधे राधे, बहुत सारे आकाश हो गए हमारी क्लास में। पिंक बॉल वॉर्म, ठीक है, और अमेरिकन बॉल वर्म कैसे खाता है, ये बॉल के अंदर अपना मुंह अंदर घुसाता है और फीड करता है, और इसकी बॉडी जो है बाहर लटकी रह जाती है। दिस इज अमेरिकन बॉल वर्म, इसका भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, और पिंक बॉल वर्म अंदर घुस जाता है और उसकी ओपनिंग जो है बिल्कुल बंद हो जाती है, सील हो जाती है, कि आपको देख कर नहीं पता चलेगा इस बॉल में कीड़ा भी हो सकता है। टी शेप मार्किंग ऑन मार्बल साइज्ड मैंगो फ्रूट एट द लेटर स्टेजेस फीड्स ऑन कोटिलेडन एट इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ, टी शेप मार्किंग बनना और कोटिलेडन्स पर फीड करना, ये कौन सा इंसेक्ट करता है मैंगो के प्लांट में? एमरिटोडिट्स एटकिंसोनी, ड्रोसोकिया मैंगीफेरा, स्टर्नोकीटस मैंगीफेरा, इको प्लाया साइनेगार्डिया। व्हाट विल बी द राइट आंसर? टी शेप मार्किंग and feeds on cotyledons. बिल्कुल सही, the answer is Sternocetus, that is stone fly.
स्टोन फ्लाई के नाम से आप इसको जानते हैं, इट डज नॉट फीड ऑन द फ्लैश, ये जो आपका पल्प होता है उस पर फीड नहीं करती, ये सीड के कॉटिलिडन पर फीड करती है, मार्बल साइज फ्रूट पर ही ये अटैक करना शुरू कर देती है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। स्ट्रिपिंग ऑफ शुगर केन लीव्स मिनिमाइजेस द अटैक ऑफ, केन की नीचे की लीव को हटाना, स्ट्रिप ऑफ करना, किसके अटैक को कम करता है, मिलीबग, स्पाइरिला, अर्ली शूट बोरर, टॉप शूट बोरर। स्ट्रिपिंग ऑफ शुगर केन लीव्स मिनिमाइजेस द अटैक ऑफ, क्या होगा आंसर? मिली बग। करेक्ट कर लीजिएगा, मिली बग इज द राइट आंसर। ठीक, मिली बग। पेंटिंग ऑफ मैंगो ट्रीज और कवरिंग इट विद पॉलिथीन और स्ट्रिपिंग ऑफ द शुगर केन लीव सभी मिली बग्स को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। ठीक है, आप मैंगो के ऑर्चर्ड में जाएंगे देखेंगे तो नीचे से पेंट किया हुआ होता है ना, दैट्स पेंटिंग इज ड्यू टू, इस पे मिली बग्स ना आए, या फिर नीचे नीचे से पॉलिथीन शीट से भी कवर किया जाता है, ये भी मिली बग के लिए ही किया जाता है। तो ए विल बी द राइट आंसर। विच पेस्ट ऑफ पोटैटो अटैक्स द ट्यूबर मोथ इन फील्ड एंड मैंने मोथ को मोथ पढ़ लिया है। विच पेस्ट ऑफ पोटैटो अटैक्स द ट्यूबर बोथ इन द फील्ड एंड द स्टोरेज। पोटैटो का ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो उसके ट्यूबर्स को फील्ड और स्टोरेज दोनों में ही अटैक कर सकता है, फील्ड पर भी और स्टोरेज के टाइम पर भी। आंसर इज पोटैटो ट्यूबर मोथ। जनरली ऐसा कोई इंसेक्ट कम ही होते हैं जो स्टोर्ड में भी अटैक कर पाते हैं और फील्ड कंडीशन में भी अटैक कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना है, पोटैटो ट्यूबर मोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट इज एन इंट्रोड्यूस्ड पेस्ट ऑफ कॉफी। इनमें से कौन सा पेस्ट है जो कॉफी का एक इंट्रोड्यूस्ड पेस्ट है, यानी कि वो हमारी कंट्री से नहीं बिलोंग करता, कहीं और से आया है। ग्रीन बग, बेरी बोरर, स्टेम बोरर, मिली बग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट इज एन इंट्रोड्यूस्ड पेस्ट ऑफ कॉफी। राइट, बेरी बोरर। ठीक है, बेरी बोरर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पेस्ट ऑफ स्टोर्ड पेस्ट। इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी पेस्ट है? स्टोर्ड पेस्ट आपके दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी पेस्ट एंड सेकेंडरी पेस्ट। प्राइमरी पेस्ट होल ग्रेन्स पर अटैक करते हैं, सेकेंडरी पेस्ट जो ऑलरेडी अटैक्ड ग्रेन है, टूटा हुआ है, अटैक किया हुआ है, उस पर अटैक करते हैं। इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी पेस्ट है? लॉन्ग हेडेड फ्लोर बीटल, फ्लैट ग्रेन बीटल, सॉ टूथ ग्रेन बीटल, या फिर ऑल ऑफ दीज। आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ दीज। तीनों के तीनों आपके सेकेंडरी टाइप ऑफ पेस्ट हैं। ताकि स्टोर्ड पेस्ट पे मैंने आपको कल ही क्वेश्चंस करवाए थे, ध्यान में रखना, स्टोर्ड पेस्ट से भी एक आता आ जाता है। नोसेमिया डिजीज ऑफ बी इज कॉज्ड बाय। बी की नोसेमिया डिजीज किसकी वजह से होती है? प्रोटोजोवा, वायरस, माइट्स, एस्परजिलस फ्लेवस। अब जाकर ऑल आया है, हाँ फाइनली आ गया है। नोसेमिया डिजीज ऑफ बी इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोवा, वायरस, माइट, एस्परजिलस फ्लेवस। यस, ए प्रोटोजोवा। ए प्रोटोजोवा। मेजर पेस्ट ऑफ हनी बी इज और आर। इनमें से कौन सा हनी बी का एक मेजर पेस्ट है? बी ईटर, बी हंटर वास्प, ग्रेटर वैक्स मोथ, ऑल ऑफ द अबव। मेजर पेस्ट ऑफ हनी बी इज और आर, बी ईटर, बी हंटर वास्प, ग्रेटर वैक्स मोथ, ऑल ऑफ द अबव।
बिल्कुल फिर से ऑल ऑफ द अबव आ गया नरोत्तम, खुश हो जाओ. ठीक है, टी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. इन हनी बीज द क्वीन सब्सटेंस इज सिक्रेटेड बाय, इन हनी बीज क्वीन सब्सटेंस इज सिक्रेटेड बाय मैंडिबुलर ग्लैंड्स, एसिड ग्लैंड्स, फेरेंजियल ग्लैंड्स, वैक्स ग्लैंड्स. क्वीन सब्सटेंस जो है कहाँ से आता है? मैंडिबुलर ग्लैंड से आता है. ठीक है, ए ए मैंडिबुलर ग्लैंड. और फेरेंजियल ग्लैंड से क्या आता है आपका? रॉयल जेली, रॉयल जेली. क्वीन सब्सटेंस इज रिलीज्ड बाय क्वीन, क्वीन सब्सटेंस क्वीन प्रोड्यूस करती है, रॉयल जेली वर्कर भी प्रोड्यूस करती है. रॉयल जेली बनाती वर्कर भी है अपने फेरेंजियल ग्लैंड से, लेकिन रॉयल जेली पर फीड कौन करता है? क्वीन करती है. बनाती वर्कर है, फीड क्वीन करती है. ठीक है, और मैंडिबुलर ग्लैंड से आपका क्वीन सब्सटेंस बनता है जो क्वीन बनाती है. ठीक है, दोनों को याद रखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन आसाम? अरंडी सिल्क, नेचुरल सिल्क, मुगा सिल्क, तसार सिल्क. आसाम में कौन सा होता है? मुगा सिल्क, है ना? कहा था ना मैंने आंख बंद करके आसाम दिखे मुगा सिल्क लगा देना. ठीक है, सी मुगा सिल्क. Killing of pupa inside cocoon before harvesting is called as. Cocoon को harvest करने से पहले या फिर उसकी reeling करने से पहले हम उसके अंदर जो pupa है उसको मार देते हैं. This killing of pupa is called as killing, reeling, stifling या all of the above. Yes, the right answer is stifling. प्यूपा को जो मारने का प्रोसेस है उसे स्टिफलिंग कहते हैं. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डी गमिंग? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डी गमिंग? कोकून की डी गमिंग करनी है, इसका मतलब क्या करना है? बॉइलिंग ऑफ सिल्क कोकून, सिल्क कोकून को बॉइल करना है, उसे किसी केमिकल एजेंट में डिप करना है, सन ड्राइंग करनी है, या फिर ऑल ऑफ द अबव. Process of degumming is boiling of silk cocoon. Boiling of silk cocoon. A. ठीक है? Which is known as silk in the gum? किसको silk in the gum कहा जाता है? Raw silk, DuPont silk, pure dye silk, khadi silk. Which is known as silk in the gum. देखो raw silk में ही gum होता है, इसलिए उसे silk in the gum कहा जाता है. अब इस raw silk को हम boil करेंगे जिससे हम उसे degumming करेंगे, यानी कि gum part को हटाएंगे. ठीक है, तो raw silk has gum in it. A will be the right answer. Norrin 10 is the source of dwarfing gene in a wheat. अच्छा सॉरी, Norrin 10 इज द सोर्स ऑफ डार्फिंग जीन इन विच क्रॉप? वीट, राइस, मेज, ओट्स. Norrin 10 डार्फिंग जीन का सोर्स है किस क्रॉप में है? वीट, राइस, मेज, ओट्स. राइट आंसर इज वीट. वीट में Norrin 10 से हमने डार्फिंग जीन लिया है. राइस में कौन सा डॉर्फिंग जीन है? टी जीओ वूजेन. डॉर्फिंग जीन ऑफ राइस इज डी जीओ वूजेन. डॉर्फिंग जीन ऑफ वीट इज पीएचटी 1 और 2. इसका सोर्स है Norrin 10. जीन का नाम पीएचटी 1 पीएचटी 2 है. ठीक है, एक मारूंगी बकवास करो, फालतू में पढ़ाई करो, यहाँ पे सारे क्वेश्चन का फटाफट आंसर किया करो. 91. Occurrence of more than one embryo in seed is known as.
सॉरी 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 सॉरी, मैंने PHT1 लिख दिया यहाँ पे, RHT1, राइट, आई एम वेरी वेरी सॉरी, RHT1 एंड RHT2। चलिए, अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज नॉन एज, एक सीड में दो से अधिक एम्ब्रियो होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसोमी कहेंगे, एम्ब्रियो पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे, एपोगैमी कहेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड इज नॉन एज पॉलीसोमी, पॉली एम्ब्रियोनी, एपोगैमी, नन। क्या होगा आंसर? बी, पॉली एम्ब्रियोनी। अगर एक सीड में दो से अधिक, एक से अधिक एम्ब्रियो है तो उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। द मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ सीरियल्स इज, मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ सीरियल्स, सीरियल को अगर हमें सेफ रखना है, ज्यादा टाइम के लिए रखना है, तो कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए? 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, 18 to 20। मॉइस्चर कंटेंट फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ सीरियल्स, बिल्कुल सही, 12 to 14% ए। ठीक है, अब ऑप्शन पे डिपेंड कर जाता है कभी कभी। ठीक है, अगर 10 से 12 होगा तो 10 से 12 लगा सकते हैं। अब यहां पर सबसे कम यही है ऑप्शन में, तो यही चूज करना है। ठीक है, अ साउंड सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रिक्वायर्ड, एक अच्छे सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए क्या जरूरी है? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रीडर, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड, सपोर्ट ऑफ लॉ। अ साउंड सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रिक्वायर्स व्हाट? आंसर इज ए, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रीडर, ए विल बी द राइट आंसर, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रीडर। साउंड सीड सर्टिफिकेशन प्रोसेस का मतलब है बच्चे की सीड सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के। टेट्रोजोलियम टेस्ट डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम, टेट्रोजोलियम किस एंजाइम की एक्टिविटी का लेवल नापता है? एटीपेज, डिहाइड्रोजनेज, कार्बोक्सिलेज, आइसोमरेज। टेट्रोजोलियम टेस्ट डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ विच एंजाइम? साउंड का मतलब सिर्फ आवाज नहीं होता है भाई, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। बिल्कुल सही, डीहाइड्रोजनेज एक्टिविटी। टेट्राजोलियम टेस्ट, TZB भी कहते हैं इसको, दिस इज फॉर वायबिलिटी, है ना, दिस इज फॉर वायबिलिटी। इसमें जो सीड वायबल होंगे वो कैसे हो जाएंगे? रेड कलर के हो जाएंगे, क्योंकि उसमें रिएक्शन होगा जो कि डीहाइड्रोजनेज एंजाइम क्रिएट करता है। प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस ग्रेप रिक्वायर्स, सीडलेस ग्रेप बनाने के लिए आपको इनमें से क्या चाहिए होगा? जिबरलिन्स, NAA, इथाइलिन, IAA, बेसिकली ऑक्सलिक एसिड, GA3 या इथाइलिन। सीडलेस ग्रेप्स बनाने के लिए आपको इनमें से किस हार्मोन की जरूरत पड़ेगी? जिबरलिन्स, NAA, इथाइलिन, IAA। आंसर इज जिबरलिन्स, GA3। सीडलेस ग्रेप्स के लिए GA3 का स्प्रे किया जाता है। इट इंड्यूसेस पार्थेनोजेनेसिस, इसमें पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस करता है। इंडियन सीड एक्ट केम इन, इंडियन सीड एक्ट कब आया था? 1961, 1963, 1966, 1967। इंडियन सीड एक्ट वाज केम इन।
जल्दी से बताएं। 1961, 63, 66, 67, बिल्कुल सही। इंडियन सीड एक्ट केम इन 1966, सीड कॉर्पोरेशन केम इन 63। क्वेश्चन नंबर 97, अ सीड इज अ, एक सीड क्या है? राइपेंड ओव्यूल, राइपेंड ओवरी, राइपेंड एंडोस्पर्म, फ्यूज्ड कार्पल। सीड की डेफिनेशन क्या है? राइपेंड ओव्यूल, राइपेंड ओवरी, राइपेंड एंडोस्पर्म, फ्यूज्ड कार्पल। ए राइपेंड ओव्यूल, ripened ovule is called as seed, या फिर fertilized ovule भी आपको लिखा मिल सकता है कई जगह, one in the same thing। 98, all the following structures are present in dicot seed except, इनमें से सभी structure dicot seed में present होते हैं, किसको छोड़ के? Radical, endosperm, coleoptile, seed coat। रेडिकल, एंडोस्पर्म, कोलियोप्टाइल, सीड कोट। ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन डाइकॉट सीड एक्सट्रैक्ट। यस, कोलियोप्टाइल इज नॉट प्रेजेंट इन डाइकॉट सीड। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, प्लूम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं, रेडिकल के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे कोलियोराइजा कहते हैं, और ये सिर्फ मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं, डाइकॉट्स में प्रेजेंट नहीं होते। वही जो सीड कोट है वो सिर्फ डाइकॉट में प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट्स में कोट प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ऑल आर डाइकोटिलिडन सीड्स एक्सेप्ट, ये सभी डाइकोटिलिडन सीड है एक्सेप्ट विच? मैंगो, कैस्टर, राइस और पी। मैंगो, कैस्टर, राइस और पी। मैंगो भी डाइकोटिलिडन है, कैस्टर भी डाइकोटिलिडन है, पी भी डाइकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन कौन सा है? राइस आपका मोनोकोटिलिडन। राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, है ना, ऑल मिलेट हो गया, सारे पल्सेस नहीं सॉरी सीरियल्स जो है आपके मोनोकॉट्स में आते हैं, ग्रास फैमिली में आते हैं। ठीक है, सीड डोरमेंसी मे बी ड्यू टू, सीड डोरमेंसी किस चीज के कारण हो सकती है? इमेच्योर एम्ब्रियो के कारण हो सकती है, हार्ड सीड कोट के कारण हो सकती है, प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, जर्मिनेशन के इनहिबिटर्स प्रेजेंट है जो उसे इनहिबिट कर रहे हैं, जर्मिनेट नहीं करने दे रहे हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सीड डोरमेंसी के इनमें से सभी कारण हो सकते हैं, इमेच्योर एम्ब्रियो होना, हार्ड सीड कोट होना और इनहिबिटर्स का प्रेजेंट होना, ये सभी सीड डोरमेंसी को बढ़ावा देते हैं, है ना। सीड डोरमेंसी का मतलब है आपने खाद, बीज, पानी सब डाल दिया लेकिन सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट अलाइव है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, सांस ले रहा है, अलाइव है बट जर्मिनेट नहीं कर रहा है, वो होती है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी अलाउज द प्लांट्स टू, सीड डोरमेंसी प्लांट्स को क्या अलाउ करती है? ओवरकम अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस, डेवलप हेल्दी सीड्स, रिड्यूस वायबिलिटी, प्रिवेंट डिटेरियोरेशन ऑफ सीड्स। सीड डोरमेंसी प्लांट को क्या हेल्प करती है? क्यों भगवान ने सीड डोरमेंसी बनाई? कोई रीजन तो होगा, और वो रीजन क्या है? अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करना। अगर बाहर अच्छी कंडीशन नहीं है तो सीड डोरमेंट हो जाता है, जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तभी मैं बाहर आऊंगा। देखो बच्चे, एंडोस्पर्म सब में होता है, ऐसा नहीं है कि मोनोकोटिलिडन्स में एंडोस्पर्म नहीं होता या डाइकोट्स में एंडोस्पर्म नहीं होता, एंडोस्पर्म सब में होता है।
डाइकोट्स का जो एंडोस्पर्म है वो कोटिलिडेंस में स्टोर होता है, मोनोकोट्स का जो एंडोस्पर्म है वो कोटिलिडेंस में स्टोर नहीं है, इतना फर्क है। एंडोस्पर्म सब में बनता है क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन दोनों में ही होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म दोनों में प्रेजेंट है लेकिन डाइकोट्स का एंडोस्पर्म कोटिलिडेंस में स्टोर होता है। एज पर ईस्टा यानी कि इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी स्टैंडर्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ सीड्स कैन बी यूज्ड फॉर द जर्मिनेशन। ईस्टा एक सीड टेस्टिंग एजेंसी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो बनाती है कि किस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है, कितनी देर के लिए रखना है, कितना सैंपल लेना है, हर गाइडलाइन उनकी तरफ से होती है। तो जर्मिनेशन टेस्ट के लिए वो कहते हैं कि कितने सीड्स का आपको जो है डाटा लेना जरूरी है तभी वो करेक्ट माना जाएगा, तो वो है 400 सीड, ठीक है। 400 सीड्स का डाटा आपने लेना है यानी कि 100 सीड के 4 रेप्लिकेशन आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, 400 सीड। मैक्सिमम अर्गट सीड परमिटेड इन सर्टिफाइड सीड ऑफ बाजरा, सर्टिफाइड सीड ऑफ बाजरा में कितने मैक्सिमम अर्गट सीड प्रेजेंट हो सकते हैं, 0.04%, 0.06%, 0.08%, 0.07%। मैक्सिमम अर्गट सीड परमिटेड इन सीड सर्टिफाइड ऑफ बाजरा, Yes, the right answer is 0.04%, ठीक है, मतलब ना ही प्रेजेंट हो तो बढ़िया है ना, बहुत ही लो क्वांटिटी गिवन। फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी, साथ साथ सीड के फादर भी बता दीजिएगा, हु इज द फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी कौन है और फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी कौन है? फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी है पॉल निगार्ड, पॉल निगार्ड इज द फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी। फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी कौन है जल्दी से बताएं, हु इज द फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी? नोबे, NOBBE, Nobe. Physical purity of 95% is permissible for the foundation and certified seed of. Physical purity 95% किसके लिए allowed है? Spinach, soybean, carrot, groundnut. 95% of physical purity. तो कैरेट के लिए जो है 95% अलाउड होता है, सी इज द आंसर, कैरेट 95%, स्पिनच के लिए 96%, ग्राउंडनट के लिए 96%, सोयाबीन के लिए 97%। जनरली क्या होता है, जनरली फाउंडेशन के लिए होता है 99% और सर्टिफाइड के लिए होता है 98%, जनरली तो ये फॉलो होता है। एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन में देखो अब ये चारों आपकी एक्सेप्शन में फॉल हो रही हैं, ठीक है, स्पिनच में 96%, ग्राउंडनट में 96%, सोयाबीन में 97% एंड कैरेट में 95%। तो सबको याद रखिए क्योंकि सारी एक्सेप्शन में आती हैं, आपको पता होनी चाहिए। कैस्क्यूटा इज एन ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ, कैस्क्यूटा इनमें से किसका ऑब्जेक्शनेबल वीड है, काउपी, लूसरन, बरसीम, शॉर्गम। कैस्क्यूटा इज एन ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ काउपी, लूसरन, बरसीम, शॉर्गम। राइट आंसर इज बी। Seed which can be dried at low moisture level without loss in viability is, ऐसे seed जिसको हम low moisture level पर भी store कर सकते हैं, उसकी viability कम नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, orthodox seed, recalcitrant seed, both A and B, none of the above. लो मॉइस्चर पर सीड को स्टोर कर सकते हैं, उसकी viability lost नहीं होती है,
ऐसे सीड्स को हम ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं। रिकैल्सिनेंट सीड वो होते हैं जिनको लो मॉइस्चर पर नहीं रख सकते, जिनको लंबे टाइम तक स्टोर नहीं रख सकते हैं, जैसे मैंगो, सिट्रस, कॉफी, रबर, लीची, कोकोआ, ये सभी आपके रिकैल्सिनेंट सीड के एग्जाम्पल्स हैं। सिंथेटिक और आर्टिफिशियल सीड्स आर, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल सीड्स क्या होते हैं? सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स रेस्ड बाय टिश्यू कल्चर, सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक प्लांट्स, सोमैटिक एम्ब्रियोज यूज्ड इन कमर्शियल प्रोपागेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। सिंथेटिक और आर्टिफिशियल सीड्स क्या होते हैं? सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल सीड्स आर सोमैटिक एम्ब्रियोज। इन सोमैटिक एम्ब्रियोज को, इस एम्ब्रियो के चारों तरफ एक लेयर लगा ली जाती है जो अक्सर कैल्शियम एल्जिनेट की होती है ना, तो इसको कैप्सूल फॉर्मेशन में बनाया जाता है। जैसे कैप्सूल्स होते हैं, अंदर इसके लाइव एम्ब्रियो है और आप इनको सीड्स की तरह मिट्टी में डाल करके पौधे उगा सकते हैं ना, ये एम्ब्रियो पूरा प्लांट आपको देगा, राइट। तो सोमैटिक एम्ब्रियोज जो है वो आपके सिंथेटिक और आर्टिफिशियल में काउंट हो सकते हैं, विल बी द राइट आंसर। एंड प्रोडक्ट ऑफ टेट्राजोलियम टेस्ट इज, टेट्राजोलियम टेस्ट का एंड प्रोडक्ट क्या है? इथेनोइक एसिड, फॉर्मजन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। एंड प्रोडक्ट ऑफ टेट्राजोलियम टेस्ट इज इथेनोइक एसिड, फॉर्मजन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? बी, फॉर्मजन। ये जो रेड कलर का जो सब्सटेंस बनता है वही फॉर्मजन होता है, जिसकी वजह से वो रेड कलर अपियर होता है, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड मीन्स फ्रीडम फ्रॉम, जेनेटिक प्योरिटी का मतलब क्या है? सीड किस से फ्री है? इनर्ट मैटर से फ्री है, अदर क्रॉप सीड से फ्री है, अदर वेराइटी सीड से फ्री है, या वीड सीड से फ्री है? जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड मीन्स फ्रीडम फ्रॉम वॉट। देखिए यहां पर आंसर आएगा आपका अदर वेराइटी सीड, क्योंकि हमने सिर्फ जेनेटिक प्योरिटी पूछी, जेनेटिक प्योरिटी में अदर वेराइटी सीड आएगा। अगर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर फिजिकल प्योरिटी होता तो फिजिकल प्योरिटी में ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना इनर्ट मैटर होना चाहिए, ना वीड सीड होनी चाहिए, ना अदर क्रॉप सीड, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाता, लेकिन हमने सिर्फ जेनेटिक प्योरिटी पूछा है तो हम सिर्फ अदर क्रॉप को नहीं पहचान पाएंगे, इनको तो हम कैसे निकाल देंगे ढूंढ ढांड के, ठीक है। तो अदर क्रॉप को हम नहीं पहचान पाएंगे, अदर वेराइटी को, तो सी विल बी द राइट आंसर। वो हमारी जेनेटिक प्योरिटी को खराब कर देता है। तो अगेन, इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस द मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं अडाटोमेटे 4/7 की ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन के द्वारा भी। और ये आपका फाउंडेशन बैच है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर तो यू कैन एनरोल राइट अवे, है ना। पीछे एक दो महीने में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाते, एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट होना जरूरी है ताकि अच्छे से आपका बेस बन सके, ठीक है। तो फीस यहाँ पर आपकी गिवन है 194 फॉर योर टेस्ट सीरीज विद द कोड Y448S एंड 2799 फॉर योर फाउंडेशन बैच विद द कोड Y448A, राइट। इफ यू लाइक द सेशन पुट अ थम्स अप एंड शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अड्डा 24, सॉरी, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्रीकल्चरल एग्जाम, जो किसी भी एग्रीकल्चरल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको जरूर शेयर करें। सबकी हेल्प करना अच्छी बात होती है, ये बिल्कुल नहीं सोचे कि हम उनको क्यों बताएं, है ना, ये गंदी बात होती है, अच्छे लोगों की बातें नहीं होती हैं बिल्कुल भी। अब ये है क्वेश्चन कि मैम इन बैचेस में कैसे एनरोल करना है, जो नए स्टूडेंट्स उनको नहीं पता होगा, रेगुलर स्टूडेंट्स को तो सबको पता है कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। तो आई विल शो यू कि कैसे आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई विल शो यू, जस्ट वन, वेट फॉर अ मिनट।
यहाँ पर हम आप मेरे पीछे वेबसाइट देख पा रहे हैं, राइट। तो इस वेबसाइट में आपने करना क्या है, वेबसाइट में आपने चूज करना है, यहाँ पर पहले सर्च करना है अड्डा 24/7, इसको चूज करना है, ऑल कोर्सेज में जाना है, ऑल कोर्सेज में आपने सेलेक्ट करना है एग्रीकल्चर सेक्शन, ठीक है, ऑल कोर्सेज में सेलेक्ट करना है आपने एग्रीकल्चर सेक्शन, और एग्रीकल्चर सेक्शन को चूज करके रिस्पॉन्स, हाँ एग्रीकल्चर सेक्शन में आप IBPS SO को चूज कर सकते हैं। जैसे चूज करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको एग्रीकल्चर महापैक दिख रहा है विद डबल वैलिडिटी, आप अगर मल्टीपल एग्जाम दे रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल करें, फाउंडेशन बैच में एनरोल करना है, फाउंडेशन बैच इज हियर, है ना, और उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ आपको टेस्ट सीरीज भी दिखाई देगी, ठीक है। एनरोल करने का तरीका सभी का सेम है, कोड आपको पता है Y448A। एग्रीकल्चर महापैक पे जैसे मैंने क्लिक किया, 12+12 की वैलिडिटी है, चाहो तो 6+6 मंथ्स के लिए भी ले सकते हो, इसमें सारे आपके IBPS AFO पंजाब ADO बहुत सारे अदर एग्जाम अपकमिंग एग्जाम सारे इंक्लूडेड होंगे विद देयर लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स। करना क्या है, बस बाय नाउ पर क्लिक करना है, यहाँ पर टाइप करना है Y448A, Y448A टाइप करके जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे आपकी फीस 80% रिड्यूस आएगी, जो आपको पे करनी है दो साल के लिए, पूरे दो साल के लिए जस्ट 6,399 इज द। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर एनरोल किया, आप IBPS AFO के फाउंडेशन बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, कोड सेम है Y448A। नीचे आप टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, इसमें क्लिक कीजिए, टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएगी, और इस टेस्ट सीरीज को हमने क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है, टोटल 20 इसके एग्रीकल्चर रिलेटेड आपके टेस्ट मिलेंगे, इसमें आपको टाइप करना है Y448, अब A की जगह यहाँ पर S लगाना है और अप्लाई कर दें, जैसे ही Y448S लगाएंगे, 8S लगाएंगे, यू विल गेट 22% डिस्काउंट ऑन योर टेस्ट सीरीज, तो 194 रुपीज में यू कैन हैव दिस टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस लाइक दिस फॉर योर टेस्ट सीरीज। ओके गाइस, तो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, ये हमारे सेशन की समाप्ति हुई, नेक्स्ट क्लास आपकी वर्षा मैम की है, वर्षा मैम इज गोइंग टू कम, वर्षा मैम आने वाली है नेक्स्ट क्लास के लिए, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिए, ओके।